ध्यायस के नए कार्यक्रम इन फोकस में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम का आज का हमारा विषय है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये विषय सुर्खियों में क्यों है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहारों में शामिल रहने पर 3 फर्मों पर कुल 2.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर यह जुर्माना पुणे नगर निगम द्वारा निकाली गई एक निविदा के लिए बोलियां लगाने में मिली भगत करके प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर लगाया गया है। इसके अलावा CCI ने ONGC के खिलाफ तेल खोज कार्य में जलपोत किराए पर लेने से संबंधित अनुबंध से जुड़े कुछ प्रावधानों में अनुमत लाभ उठाने की शिकायत को खारिज कर दिया। प्रतिस्पर्धा नियामक ने जून 2018 में ONGC के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। ये शिकायत विभिन्न जलपोत मालिकों के संगठन इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन ने दायर की थी। आइए अब जानते हैं कि CCI को लाने के उद्देश्य क्या हैं। देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर प्रतिस्पर्धा अधिनियम में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का प्रावधान है ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना, इसके अलावा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। आइए अब समझते हैं कि CCI से संपर्क और शिकायत कैसे की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या उद्यमों का संघ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, विलय और अधिग्रहण का दुरुपयोग या प्रतिस्पर्धा में बाधा डालता है तो CCI से संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई निर्माता या सेवा प्रदाता अपने उत्पाद अथवा सेवा की बिक्री पर अनुचित शर्त लगाता है तो उपभोक्ता इसके निवारण के लिए CCI से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ अथवा व्यापार संघ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत कर सकता है। आइए अब सबसे आखिर में समझते हैं कि CCI के कार्य क्या हैं। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, एकाधिकार तथा ऐसे विलय या अधिग्रहण जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं की जांच और नियम करना CCI के कार्य में शामिल है। किसी भी कानून या सांविधिक अधिकार के तहत गठित प्राधिकरण या केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भ के संबंध में प्रतिस्पर्धा मुद्दे पर अपनी राय देना, प्रतिस्पर्धा मुद्दों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जन जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अलावा केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा किसी भी कानून के तहत गठित प्राधिकरण जांच के संदर्भ में दे सकता है। आयोग के द्वारा स्वयं अपनी जानकारी या ज्ञान के आधार पर जांच शुरू की जा सकती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और दुरुपयोग के मामलों में आयोग निम्नलिखित आदेश पारित करता है जिसके तहत प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते की जांच करके प्रभावित अंतरिम राहत प्रदान करना, उद्यम के संबंध में सकल कारोबार का अधिकतम 10% जुर्माना, कॉर्टेल के संबंध में कॉर्टेल से प्राप्त लाभ की 3 गुना राशि अथवा उद्यम के सकल कारोबार का 10% जुर्माना। इसके अलावा मुआवजा प्रदान करना, समझौते में सुधार लाना और यदि कोई उद्यम प्रभावशील स्थिति का लाभ उठा रहा है तो केंद्र सरकार को इसके विभाजन की संस्तुति करना,